बरेली के एडीजे मनोज उपाध्याय का इलाज के दौरान ऋषिकेश एम्स में निधन हो गया है। 28 अप्रैल को एडीजे मनोज उपाध्याय को कोरोना संक्रमण के चलते एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। हालांकि कुछ दिनों पहले उन्होंने कोरोना संक्रमण से जंग जीत ली थी, लेकिन उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलने के कारण उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता चला गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद मनोज उपाध्याय ने 43 साल की उम्र में एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया है, जहाँ से उनकी अंतिम यात्रा हरिद्वार स्थित खड़खड़ी शमशान घाट पहुंची, जहां विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का लक्सर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दोबार दौरा रद्द होने पर कांग्रेस सेवा दल ने पलटवार किया है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार के सभी मंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको बता दें कि बालावाली गंगा के तट बंधन को क्षतिग्रस्त हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए, जिससे हर साल बरसात में गंगा का पानी इस टूटे तटबंध से बाहर निकलता है और कई गाँवों में हजारों बीघा फसल को तबाह कर देता है, लेकिन इस तरह प्रशासन इसके बावजूद वहाँ नहीं पहुँच रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण लगे कोरोना कर्फ्यू से हरिद्वार का व्यवसायी अब तंग आने लगा है। बाजार बंद होने से व्यवसायियों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। बाजार खोलने को लेकर आज एक बार फिर हरिद्वार के युवा व्यापारियों ने उत्तराखंड में अनलॉक प्रक्रिया शुरू करने और बिजली बिल स्कूल फीस माफ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। युवा व्यापारियों ने हर की पैड़ी पर काले झंडे लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बाजार खोले जाने की मांग भी की। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते करीब 2 साल से व्यापार ठप है और व्यवसायियों के सामने रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है, जिसके चलते हरिद्वार का व्यवसायी ना तो अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा कर पा रहा है, ना ही बिजली पानी का बिल ही अदा कर पा रहा है। अब तो आलम यह है कि राज्य सरकार व्यवसायियों की ओर से बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। हमारी सरकार से मांग है कि वो व्यवसायियों के हित में फैसला ले और व्यापारियों को आर्थिक पैकेज दे। टिहरी टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने चंबा में अपनी 5 मुख्य मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया है। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट से जूझ रही टैक्सी चालकों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया और सरकार से आग्रह किया है कि उनकी मांगें सरकार पूरी करे। टैक्सी यूनियन टिहरी ने जिलाध्यक्ष बलबीर सिंह पुंडीर के कहने पर ये प्रदर्शन किया। इस दौरान पुंडीर ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संकट के टैक्सी चालक आर्थिक तंगी से आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार को वाहन चालकों का 2 साल का टैक्स माफ कर देना चाहिए, साथ ही इंश्योरेंस की सीमा भी बढ़ानी चाहिए। जिला अध्यक्ष बलवीर पुंडीर का कहना है कि वाहन स्वामियों और वाहन चालकों को आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। उत्तराखंड के पुलभट्टा सीमा पर कोरोना जांच के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस ने लैब कर्मचारियों से इस्तेमाल एंटीजन किट बरामद की है। आरोप है कि लैब कर्मचारी यूज किट से ही कोरोना की जांच कर रहे थे। इतना ही नहीं, रजिस्टर में टेस्टिंग अधिक जबकि मौके पर बराबर सैंपलिंग हो रही थी। पुलिस ने फर्जी बाड़े करने वाले लैब के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों से हरिद्वार में इस्तेमाल की गई किट बरामद की है। CHC किच्छा के अधीक्षक HC त्रिपाठी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल राज्य सरकार ने यूपी से उत्तराखंड में प्रवेश के लिए COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की है। इसी के चलते बॉर्डर पर कोविड की जांच के लिए लैब के कर्मचारियों को लगाया गया है। किच्छा CHC अधीक्षक त्रिपाठी को इसकी सूचना मिली थी कि पुलभट्टा बॉर्डर पर तैनात लैब कर्मचारी एक्सपायरी डेट की किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तराखंड में 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह से ठप हो गया है।
अभी ये कहा नहीं जा सकता कि कब तक उत्तराखंड को वैक्सीन मिल पाएगी। साथ ही स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर की डेट तीसरी बार बढ़ा दी गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि सरकार लगातार वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार से बातचीत कर रही है। वहीं कांग्रेस ने वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सवाल किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वैक्सीन लग रही है, लेकिन आखिर सरकारी अस्पताल में क्यों वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही? कि हमारे पास 18 से 44 तक के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। भारत बैठे कर रखी है मैंने, पर तुम्हारे कितना काम आएंगे नहीं आएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।